हाय दीपक सर, कैसे हो आप? बढ़िया बस अच्छा हूँ। आप बताइए। बढ़िया। मोहिनी मैम, राकेश सर, मुसाइफा मैम, हनुमान सर, आ जाइए सभी लोग। कैसी चल रही है इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों की? चल रहा है सर। ठीक। सिलेबस वगैरह पढ़ाए सर? करंट अफेयर वगैरह से हो कनेक्टेड सभी? ठीक है। आप लोग सुन पा रहे हो मैम? राकेश सर, मोहिनी मैम, मुसाइफा मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है किसी का भी? हेलो राकेश सर, आ गए। हाय सर, गुड इवनिंग हेलो, गुड इवनिंग सर। जी। कैसा है सर? बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया चलिए। अच्छा, कितने दिन चलेंगे इंटरव्यू आपके? 18 से शुरू है क्या सर? सर। 17 से 20। 17 से 20? ठीक है, फिर नए 26 जनवरी पे बन जाओगे आप असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, 26 तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। इस बार कितने दिन बाद आया था? मेरे ख्याल से 1 तारीख को आया था, 1 को 2 को, 1 को आया था शायद, नवंबर को आ गया। 1 नवंबर को आ गया एक सर। नवंबर को आ गया था। 5 की शायद दिवाली थी, है ना? और मेरे ख्याल में 27 को खत्म हुए थे, जी सर। 28 को, बल्कि 28 को खत्म हुए। 2 दिन में दे दिया था कंपाइल करके, तो आपका 17 से 20 है, तो 22 23 को आ जाएगा आपका भी। ठीक है, मतलब जी 1 महीना भी नहीं है आपके पास, 1 महीने के अंदर अंदर जिंदगी का सारा वो बदल जाएगा। ठीक है, या तो बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे, है ना? ठीक है, तो इंटरव्यू का ऐसा है, अभी डेफ वगैरह सबके तैयार होंगे, आपके तैयारी वगैरह चल ही रही होगी। ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम हमने लिए थे इंटरव्यू, सीआईएसएफ से ही शुरू किया है आपके, इसमें जो 2020 वाला बैच था। उसके बाद अभी सीएपीएफ के हमने 65 बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा नहीं तो 65 में से ऑलमोस्ट 25 30 बच्चे हो जाएंगे सिलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। काफी अच्छे मार्क्स वगैरह भी थे और अच्छे इंटरव्यूज भी गए हैं। ठीक है, ये सेशन मैंने जानबूझ के रखा है ताकि एक बार मोटी मोटी चीजें हम डिस्कस कर लें बेसिकली। ठीक है, पहले मुझे खुद ऐसा लगता था कि इंटरव्यू में ना बहुत ज्यादा इधर उधर की नॉलेज की जरूरत है, करंट अफेयर, फलानी ऑर्गेनाइजेशन, ये बताओ वो बताओ, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो मैटर करती है वहां पे। ठीक है, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जितने भी आप हिंदी मीडियम में अगर कोई आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू आप दोगे, तो बी प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वहां पे जितने भी लास्ट वाले बैच के थे, 2 3 स्टूडेंट थे मेरे, हिंदी मीडियम से तैयारी करके वो गए थे, लेकिन किसी को हिंदी में बात नहीं करने दी गई थी वहां पे, उन्होंने इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 20 दिन का, तो कहूंगा मैं है ही, है ना, 20 22 दिन का टाइम है। तो एक तो अगर इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है तो वो सीखिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर होगा तो इजिली यू कैन यू नो मैनेज, आप इजिली जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत आए नहीं आएगी आपको। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे पहले आप ना खुद को जानिए। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू आप कभी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू मैं अभी भी ले लूंगा आपका, किसी का भी इंटरव्यू 2 दिन बाद भी दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले बैच में कुछ लोगों ने लालच किया था, टू बी वेरी फ्रेंक मैं बताऊं आपको, पंकज सर के साथ में 3 4 लोग थे, दीपक सर बताया होगा आपको। ठीक है, उन्होंने, हाँ हाँ, सर। उन्होंने खुद के ग्रुप में ही जो भी इंटरव्यूज वगैरह लिए, बट ये चीज बिलीव करो आप, हम जो चीज आपसे पूछेंगे हो सकता है ग्रुप वाले वो सब चीजों तक ना ना जाए। रीजन बिंग, हमारा एरिया ऑफ जो मतलब जो काम करने का जो वो है, काफी ब्रॉड है एरिया। ठीक है, और अलग अलग उसमें डिफेंस एग्जाम में भी आप देखोगे सीडीएस को भी हम कवर कर रहे हैं, एफकेट को भी कर रहे हैं, सीएपीएफ को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक लिमिटेड सी वो रहेगी। उसके बाद अलग अलग डोमेन भी हमारे, मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज्यादा अच्छे से पूछ सकता हूँ क्वेश्चंस, इजंट इट, क्योंकि मेरा काम यही है, टेक्नोलॉजी में ही काम करता हूँ मैं। ठीक है, डिवाइसेस किस उस पर काम कर रहे हैं, आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इस तरीके से। और आपके सीएसएफ भी है, भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये है वो डिटेल्स अब आपके मैं शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, बाकी मेनली जो है आपका 80% जो क्वेश्चंस आप कहेंगे वो डेफ के ऊपर आएंगे। ठीक है, इतना कंफर्म है। 20% आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस आपके कई बार पूछते हैं, कोई भी रैंडमली सिचुएशन दे देंगे उस तरीके की, उसके अंदर भी जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज आए। ठीक है, डजंट मैटर आप उस कॉन्सेप्ट किस तरीके से दे रहे हो, एक चीज मैटर करेगी, आपको कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो 90% आपका काम हो गया है। दूसरा आपका ड्रेसअप है, प्रेजेंट करने का तरीका है, आप देखोगे मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। उर्वशी मैम के आई थिंक 130 कितने, 132 के आसपास मार्क्स थे, समथिंग 137। 137 है। ठीक है, वही जो टॉपर है उसके 150 नंबर है, 13 नंबर का बहुत फर्क हो गया। ठीक है, नहीं तो उर्वशी मैम के अगर कितने, मेरे ख्याल से कुछ ही नंबर से पीछे हैं पहले रैंक से। बोल गए।
हाँ तो जो भी है इंटरव्यू एक अच्छी स्टेज है जहाँ पे आप जैसे रविराज सर हैं अपने में ही आपके ही बैच के 20 बैच के थे, 2 मार्क्स से रहे हैं वो सिर्फ 2 नंबर से, ठीक है। मतलब लास्ट की स्टेज पे आके 2 नंबर से रहना मुझे लगता है इससे ज्यादा मतलब दुख की बात और कोई नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि ठीक है चलो वैसे बोल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने मार्कशीट भेजी और मैंने खुद देखा उसमें 361 मार्क्स थे उनके और 2 नंबर से वो रह गए। दिखाता हूँ आपको भी एक सेकेंड। स्क्रीन दिखाई दे रही होगी ना आपको? हाँ यस अभी इसमें कहाँ पे आया था? आपके ग्रुप के अंदर एक फोटो भेजा है मैंने अभी, ठीक है ये देखिए, ये मार्कशीट है स्टूडेंट की, दिख रहा है आपको 361। फाइनल टोटल दिख रहा है आपको 361 का, सर ठीक है। यहाँ पे इस स्टूडेंट के पेपर 2 के मार्क्स देखो आप, सर 2 में से 57 नंबर बहुत बड़ी बात है, मैंने नहीं देखे आज तक इतने मार्क्स आते हुए, ठीक है। 57 नंबर काफी अच्छा स्कोर है। इनकी कमी 2 जगह रही, पेपर 1 में और 2 में। पेपर 1 में इनके, अब देख लो एक बार मैं बताता हूँ आपको, 182 है। एक सेकंड में अपना पेंटर निकाल रहा हूँ, कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी है आपके माइंड में जरूरी है ताकि आपको कुछ इनसाइट मिल सके इसके बारे में ना। वापस आ जाइए सभी लोग, आपने देख लिया होगा। सबको अपने अपने मार्क्स तो आपको पता ही होंगे ना, रफली कितने कितने क्या क्या आ रहे हैं ना। अब जिसको जिसके मान लो 200 से ऊपर आ रहे हैं तो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे 230 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, है ना। अब देखो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, सर के थे 100, लिख लेता हूं उनके यहाँ पे 182 मार्क्स पेपर 1 में थे, 57 पेपर 2 में, और इंटरव्यू में कितने थे, 122 समथिंग, राइट 122 थे। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, इनके मान लो इंटरव्यू में ही अगर 122 की जगह उर्वशी मैम के कितने थे यहाँ पे, 132 थे, इनके लगाओ 10 नंबर इनके बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 10 नंबर भाई। अगर उस उन मैम के हिसाब के लेवल के भी अगर इंटरव्यू देते तो इनका स्कोर टोटल कितना बढ़ जाता, फाइनल स्कोर इनका कितना था, 361 था। 361 में 10 मार्क्स इंक्रीज कर दो, 171, 371, देखना एक बार 371 का बच्चा कहाँ पे, यहाँ पे ये लो, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 15 वाला बच्चा यहाँ पे आ जाते उठ के सीधे, ठीक है, समझ रहे हो। 132 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ 122 से अगर इनके 10 नंबर बढ़ते तो, और अगर ये इंटरव्यू में और थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते, ये इनके बेसिक मार्क्स है 122 के, अगर सौरभ राठौर सर के कितने नंबर इसमें, 140 है ना उनके, एक सेकेंड, 140 कितने आए थे, 144 मार्क्स आए थे सौरभ राठौर सर के, और इनके हैं 122, तो 22 नंबर बढ़ गए। अगर इनके 22 यहाँ पे बढ़ा दो फॉर एग्जाम्पल, 383 नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
383 में इनका रैंक आएगा यहाँ पे, यानी सातवां रैंक। देख लो इंटरव्यू की इतनी इंपॉर्टेंस, आप यहीं से समझ जाओ, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया आपको इतनी चीज, मतलब इंटरव्यू में भी आपका गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस देखो, अब तक जितना आपने जो किया है ना वो वेल एंड गुड है। जैसे काफी लोगों के देखे मैंने 200 प्लस स्कोर है आपका, तो जिनका 200 तो बहुत अच्छे उसमें है, बस अब आपको जो है टॉप उसमें आना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 200 के आसपास अगर आपका स्कोर है, पेपर टू में भी 40-50 के बीच में है, तो मेक श्योर ये करो आप एटलीस्ट 140 तक तो पहुंचो, और 150 आपके सामने आए हैं, 140 नंबर आप ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब एरिया की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो पर्सनैलिटी पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। वहां पे बहुत ज्यादा हाई इंग्लिश वाले की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश भी आप बोलोगे तो भी चलेगा, उनको पता है आप सब सर्विस वाले लोग हो, तो इतना ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वो ऑफिसर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, उनको वो असेस करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप बात कर रहे हो, एंट्री करते समय आपने विश किया है नहीं किया, ड्रेसिंग सेंस आपका क्या है। कई बार होता है ना कि कपड़े प्रेस करे हुए नहीं है, टाई ढंग से नहीं लगाई है, बेल्ट ढंग से नहीं लगाई है, बोल दो आपका तो ड्रेस में ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो चीजें मेक श्योर करेंगे आप, ठीक है। हमारे इंटरव्यू में हम ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये वो टाइम है जहाँ पे आपको पैसे खर्चने से नहीं डरना है। इवन आपके 2-3-5 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो ना आप। हमारी तो बहुत ज्यादा फीस नहीं, सिर्फ 1000 रुपये पर मॉक इंटरव्यू है। इवन आपके 10 हज़ार भी अगर लगते हैं और मेरिट में नंबर आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी ये जो बंदा है जो अभी वो हुए हैं मेरिट आउट हुए हैं, ये बोल रहे थे मुझे कि सर गलती होगी, मैं आपके पास एक दो मॉक दे लेता, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाती। अभी इन्होंने 15 हज़ार का कोर्स खरीदा है, ठीक है, वो 15 हज़ार इंटरव्यू के टाइम पे लगा लेते तो शायद कुछ हो भी जाता, ठीक है। और वो बात भी नहीं है, अब रिस्क बढ़ जाता है ना, मान लो किसी का आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, फॉर एग्जांपल दीपक सर जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट है ना लास्ट, तो आपके आपकी धड़कन और तेज होगी। आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिनका पहला होगा, दूसरा होगा, उनको ये लग रहा है कि एक अटेम्प्ट और भी बाकी है, पर रिस्क मत लेना आप, ठीक है, इसी अटेम्प्ट में करना है, ठीक है, और ये लास्ट चांस है। और चांसेस देखो, सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपके में वैकेंसी ठीक है, बंदे कितने देंगे, अभी कितने आउट हुए हैं फिजिकल वगैरह में, है कोई आइडिया? 78 बचे हैं सर। अच्छा, टोटल कितने, 90 के आसपास थे ना, 90-95 में? 94 से 78 बचे हैं। ऐसा कहाँ चले गए बीच में, फिजिकल में तो नहीं रहने वाले थे? फिजिकल में रह गए सर, 6 फिजिकल मेडिकल में और 8 अपना 20 वाले में, 2020 में सेलेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। अब वो बच्चे अगर वहां पे नहीं होते तो आप वाले में वो करते है ना, एक दो बच्चा है फिर भी जो उस वाले में नहीं हुआ लेकिन आपके में इंटरव्यू बैठेगा, वो है ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनका दोनों में हो रखा है, ठीक है। तन्मय मैम एक, तन्मय मोहंती है, उनका हो रखा है, दोनों बैच में हुआ था, लास्ट वाले में शायद वो इंटरव्यू दे नहीं पाए थे, क्या था ऐसा कुछ, मतलब इस वाले में देंगे शायद वो, ठीक है। चलिए जो भी है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको इंटरव्यू का रोल कितना है आपके इसमें, ठीक है। आप 20-25 दिन जिल जान से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, लास्ट के 2 महीनों का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो आप सबसे पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हर एक चीज पे ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना सीखिए, ठीक है, कोई भी डिस्कशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि जो फार्मर्स लॉज थे इनको रिपील कर दिया गवर्नमेंट ने, फाइनली कर दिया ना, सब जा चुके हैं, सब कुछ वो हो गया, ठीक है, आपका क्या स्टेक, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, ठीक है। तो एक ओपिनियन आप अपना बनाओ कि ठीक है, आपको फार्मर लॉज जो है अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, इसके ऊपर जो है बिल्कुल बायस नहीं होना है। कई लोग जो है हमारे जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमें तो देखो बुरा लगेगा, मैं खुद एक फार्मर बैकग्राउंड से हूँ तो हमें तो बुरा लगेगा कि कल को आके कोई मतलब हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कॉर्पोरेट्स के आगे कि हमारी फसल ले लो, तो समझ रहे हो ना। लेकिन वहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं आना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने। देखो सिंपल सी बात है, आप गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉई हो और गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई आपको कल ऑफिसर बनना है, ठीक है। अब ऑफिसर ऐसे सोचेगा कि नहीं नहीं हम तो उनके अगेंस्ट है, तो सारे काम तो आपको ही करने हैं ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को तो दिए थे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बोल देते कि ठीक है जाओ आप अंदर हम नहीं रक्षा करेंगे, तो चले जाते हो अंदर, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है, एक अपना ओपिनियन बनाना सीखे किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो आपका ओपिनियन होगा, ठीक है, आप लोग कि ना मुझे शक्ल नहीं दिख रही किसी की भी, तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। राकेश सर, हनुमान मैम, हनुमान सर, मोहिनी मैम, नवीन सर, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आप सुन भी रहे हो, ठीक है। जी सर, उसके बाद ओपिनियन आपका हो गया यहाँ पे। ओपिनियन के बाद आपको अलग अलग इतना रैंडमली 100 टॉपिक्स लिख लीजिए आप अपने डेफ में से, ठीक है, या फिर एक काम ये करिए, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, अभी भी मेरे ख्याल से 5-6 लोग ही आए, ठीक है। और जेनुअनली मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है उसमें से मैक्सिमम, सीधी सी बात है, आप लोगों में से कितने, 3, 3-6 और 3-9,
10, 11 लोग हो आप यहाँ पे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि 11 11 का हो, ठीक है? उससे आपको तो बेनिफिट है ही, ओबीसी ऑफिसर बन जाओगे, हमें ये बेनिफिट है, मुझे खुशी होगी कि हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो एक काम ये करिए, सभी पर्सनली डेफ आपका भेज दीजिए, ठीक है? मैं उसके ऊपर देता हूँ आपके डेफ के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? आप एक काम ये करिए कि करंट अफेयर प्रिपेयर करो अपना, ठीक है? एटलीस्ट विजन आईएएस की मैगजीन आती है, उसको बहुत ज्यादा आपको आंसर राइटिंग ये सब नहीं जाना है, जस्ट एक रफ ओवर वो व्यू होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे होगा। जैसे अभी नागालैंड में वायलेंस हुआ था, सबको पता है, ठीक है? न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा होगा शायद, मैं ये उम्मीद करता हूँ, पढ़ा है सबने न्यूज़पेपर, ठीक है? अब नागालैंड में वायलेंस हुआ था तो पहले जनरली हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे, बताओ कौन सी फोर्स थी, क्या, इतना कुछ नहीं पूछेंगे। सिंपल आपसे ये पूछेंगे कि नागालैंड में जो है इंडियन आर्मी ने गलती से 12-13 लोगों को मार दिया, ठीक है? उनको पावर दी गई थी आफ्सपा के अंडर, ठीक है? तो बताओ आफ्सपा जो है के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर विद द आफ्सपा टॉपिक, कि आफ्सपा कब शुरू हुआ था, कहाँ कहाँ पे लगा था, क्या क्या पावर्स आफ्सपा के अंदर आती है, क्या होगा अगर आफ्सपा को हटा दें, क्यों लगाया जाता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है ना? और ये बहुत ही ईजी है, आप देखोगे ना, एक दो फैक्ट आपको पढ़ना है इसमें से। 1958 में शुरू हुआ था आफ्सपा, फुल फॉर्म है आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, यही चीजें हैं। और यही चीजें आप जब इंटरव्यू में बोलोगे तुरंत आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है? अब आप फोर्स के बंदे हो, ठीक है? अब हो सकता है ना, कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि आर्मी को और सीएपीएफ को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, ठीक है? अब आपको उनकी पावर का ही नहीं पता है, अगर उन्होंने तो वो नहीं मार दिया, आप तो नहीं मार सकते हो ना, आपके हाथ में पावर नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उनके साथ ही काम कर रहे हो, उनके साथ ही ट्रेवल कर रहे हो, फिर ऐसा हमला हो जाए तो उनके हाथ में पावर है। तो बेसिक चीजें हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आफ्सपा की जो पावर दी गई आर्म फोर्सेज को, उसमें मिसयूज होता है, ठीक है? तो इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन बनाओ, आंसर दोगे आप इस चीज पे कि हाँ सर मिसयूज तो होता है, अभी हुआ है जैसे कि, ठीक है? लेकिन वो नेग्लिजेंस में हो गया या जो भी, जिस तरीके का भी वो है, ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब इस तरीके की जो न्यूज है आपका, स्पेशली आप दिसंबर का तो करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाओगे, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट 2-3 हुए हैं अभी दिसंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है? उसके बाद अभी इशू एक चल रहा है, कोई पंजाब में से है, आप में से पंजाब से है कोई? अब जैसे कोई पंजाब का बंदा है, अब उनसे एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हॉट टॉपिक काफी दिन से चल रहा है कि आपका जो ये था, क्या नाम है इसका, सेक्रिलेज। हाँ, सेक्रिलेज। अब जो ये बोल रहे हैं जैसे सिखिज्म में, कि बार बार में हमारे रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, बुक्स के साथ छेड़खानी की जा रही है, तो इसके ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए आपका क्या ओपिनियन है, इजंट इट? तो पूछ लेंगे आपसे कि आपके हिसाब से ये सही है गलत है। उसके बाद अब जैसे ये एक टाइप की मॉब लिंचिंग हम इसको बोल सकते हैं, राइट? कि ऑल्दो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो अंडर गवर्नमेंट होना चाहिए, बट वहीं पे उनको पीट के मार दिया जा रहा है। ऑल्दो उनके हिसाब से ये चीज बोली गई है कि ये हमारे धर्म के बिल्कुल खिलाफ कोई भी वो है, मतलब इस तरीके से। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पर्टिकुलरली रिलीजन के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ऐसा करना ठीक है गलत है, इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद आप अलग अलग सेक्टर्स में हैं, और बिलीव मी जितने भी स्टूडेंट थे, मैंने तो ये सुनने में आया, उनसे कोई भी जो है इधर उधर की चीजें नहीं पूछी, क्योंकि सिंपल सा है, देखो अब उनको भी इतना नॉलेज नहीं है, DFMD FFMD ये सब कुछ नहीं, सिंपल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, बहुत पढ़ लिया आपने। क्योंकि मुझे पहले लगता था हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें वो कुछ, मतलब जैसे 2020 वाले जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उसमें, मैंने ये फाइंड आउट किया, 3-4 लोगों से मैंने बात की उसके बाद, तो उन्होंने सबने ये बताया कि सर उस पर इतना ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया। और मुझे ये लगा फिर उसके बाद एनालिसिस के बाद कि वो सब चीजें आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ चुके हो, एग्जैक्टली। अगर यही सब चीजें इंटरव्यू में पूछेंगे तो उसका फायदा क्या है? आप, आपकी जो है फैमिली लाइफ होगी, आपके एरिया के बारे में, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो, नेशनल इश्यूज, आपके सामने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इस तरीके से कि अब जैसे हुआ था ना आपके इसमें मेट्रो में, अभी होते रहते हैं खेरे, तो कि मेट्रो के स्टेशन से कोई बच्चा कूदने वाला है तो आप क्या स्टेप लोगे, इस तरीके से, है ना? अभी न्यूज में भी आया था शायद, इधर दिल्ली का कोई मामला था, उसमें एक लड़की को बचाया तो कूदने वाली, ठीक है? तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपके जवाब जो है बेसिकली होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट सेक्टर पे हैं, उसमें आपसे पूछ लेंगे कि कोई बंदा पैट डाउन करने से मना करता है या बोलता है, या कोई भी चीज लेके जा रहा है तो आप उसको कैसे मनाओगे सर्च वगैरह के लिए, तो ये सब होता है बेसिकली, ठीक है? तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आपको प्रिपेयर करना है। अभी करंटली जो है आप एक काम ये करिए, सभी के सभी लोग अपना डेफ भेज दीजिए, ठीक है? उससे दो बेनिफिट ये होंगे, मैं ओवरऑल क्वेश्चंस आपके फॉर्मेशन करके भेज देता हूँ सबके, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, मोस्ट प्रोबेबली आज 24 तारीख हुई है, नए साल तक आपको मिल जाएंगे, 6-7 दिन में जो है सबके सेंट्रलाइज बनाऊंगा एक ही, उसमें बस उसमें क्वेश्चन आपके चेंज होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है? तो वो सब करके मैं आपको देता हूँ सबको।
उसके ऊपर अपना जो अभी फिलहाल करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो आप। विजन आई इसकी शायद मैगजीन आई नहीं है, मार्केट में कोई ना कोई होगी पक्का, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अभी आ जाएगी शायद जनवरी में दिसंबर की, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने की पढ़ लो। जनवरी का जो है न्यूज़पेपर कंटिन्यूअस पढ़ो आप, ठीक है। 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं ना आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अपना न्यूज़पेपर में भी बिल्कुल वो फैक्ट वैक्ट कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ओवरऑल इशू को समझिए और चलिए सीधा आगे, ठीक है। और बाकी सब अपने एरियाज के रिगार्डिंग आपको सब पता होना चाहिए। जैसे हाँ, उसके बाद जैसे अब फॉर एग्जाम्पल राजस्थान से हो आप, है कोई आप में से राजस्थान से? हनुमान सिंह जी आप, ओके। तो राजस्थान वाले जैसे स्टूडेंट से जनरली क्वेश्चन जैसे आपसे नॉर्मली पूछ लेंगे, पूछा है अभी CAPF एग्जाम में हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जनरली पूछेंगे कि आप बताइए आपके स्टेट में आपको कौन सी, वो सिंपल है। देखो अब इतने भाईचारे पे आ गए, कोई देखे ना इंटरव्यू को, देखे इंटरव्यू इज द वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट प्रोसेस जिसमें आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आता है ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक बंदे को सब चीजें नहीं आ सकती है, ठीक है। एक चीज मैटर करेगी अगेन, कॉन्फिडेंस आपका, ठीक है। क्या एग्जामिनेशन हॉल में, बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल ही होगा ना, स्टूडेंट हो आप, तो आप उसमें किस तरीके से काम एंड कंपोजिट रह के उसका आंसर दे पा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है आपका, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली है, मान लो इंटरव्यू चल रहा है आपका, आपसे नॉर्मली पूछ लेंगे, ठीक है हनुमान, क्योंकि देखो उनको तो मार्क्स देने हैं ना, 200 में से उनको नंबर देने हैं। वो किस बेस पे देंगे आपको जज करके कि हाँ ये बंदा पर्सनैलिटी कैसी है, जो ओपिनियन कैसा है इस बंदे का, क्या प्रॉब्लम्स को उस नजरिए से देखता है नहीं देखता है, उसके बाद जो आंसर दे रहा है क्या वो थॉटफुल है या नहीं है, ठीक है, उनमें कहीं सॉल्यूशन दिखता है नहीं दिखता है। इवन आपसे ही पूछ लेंगे, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए 3 मेजर प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिली राजस्थान के अंदर, बताइए सर आप हनुमान सर क्या प्रॉब्लम ऐसी लगती है जो मेजर आपको 3 राजस्थान में है और अदर स्टेट्स में नहीं है? सर, अगर राजस्थान के बारे में बात की जाए तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स होगी सर। एक वाटर स्केयरसिटी, ठीक है। सेकंड होगा सर वुमेन एजुकेशन, एंड थर्ड होगा सर यूज ऑफ ओपीएम एंड डोडा पोस्ट। ठीक है, तो इसको आप इसके ऊपर क्या काम कर दी आपकी सरकार, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है, एडिकेट किया जा सकता है? सर फॉर वाटर स्केयरसिटी देर आर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एंड रूफ वाटर कंजर्वेशन, एंड टू केटर द नीड्स ऑफ वुमेन एजुकेशन देर आर वेरियस अवार्ड्स लाइक गार्गी अवार्ड एंड वेरियस स्कीम्स वेयर वुमेन चाइल्ड इज फीमेल चाइल्ड आर मोटिवेटेड टू गो स्कूल एंड टू कंटिन्यू देयर स्टडीज टिल हायर एजुकेशन, ठीक है। एंड टू सर केटर द नीड ऑफ ओपीएम एंड डोडा पोस्ट। रिसेंटली देर आर गवर्नमेंट ठेकाज, और वी कैन से दैट द गवर्नमेंट शॉप्स ऑफ डोडा पोस्ट हैज क्लोज्ड, एंड देर हैज बीन लॉ व्हिच हैज बीन इंप्लीमेंटेड, एंड सर इन सोशल गैदरिंग्स इट हैज सीन दैट देर वर यूज ऑफ ओपियम व्हिच वाज वेरी मच प्रिवेलेंट, एंड इट हैज रिसेंटली बीन कर्ब्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है नवीन सर, आपके स्टेट के अंदर अभी एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई जैसे पानी का बताया ना इन्होंने कि पानी की बहुत कमी है, आप सुन रहे हो नवीन सर? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। ठीक है, तो आपके स्टेट में हरियाणा में एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिन एरियाज में पानी नहीं है वहां पे अभी भी जो है मास लेवल पे जो है इसकी जो धान की खेती की जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप ना पैटर्न शिफ्ट करो अपनी एग्रीकल्चर का, तो वहां पे एक गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई है मेरा पानी मेरी विरासत, जैसे सबने बताया ना कि काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग है, तो हरियाणा में भी जैसे चलाई गई है। तो ओवरऑल इन सब चीजों को आपको एटलीस्ट ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, वो आपके स्टेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ भी आपसे अगर पूछा जाए, अगर आप नहीं एक्सप्लेन करोगे बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा आपके ओवरऑल इंटरव्यू पे, बट ये है अगर आप बता पाते हो तो आपके मार्क्स ऐड होंगे, दैट इज फॉर श्योर। वही दो दो नंबर चुराने वाली बात है, जितना ज्यादा आप बताओगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, आप में से कौन बताएगा, अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट ला रही है गवर्नमेंट, लड़कियों की मैरिज की जो एज है उसको 18 साल से 21 साल तक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप सबका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर, एक एक करके आप बताइए। मैं शुरुआत करूं? हाँ दीपक सर, आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। हाँ सर, निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से महिलाओं की एज को 18 से 21 साल करने जा रही है, तो जो इक्वालिटी है मेन और वुमेन के बीच में वो इंश्योर करना चाहती है सरकार। साथ ही अर्ली एज, अर्ली मैरिज से कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिलाएं उनके रिमेनिंग लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे इन्फेंट
मल्टीरेट मालन्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं देखा जाए तो उनकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो अर्ली एज में शादी कर देने से उनको वो सोसाइटी में जो उनको एक स्टैंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसको लेके सरकार पहले से ही सतर्क थी, जिसमें जया जेटली कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी जो 18 से 21 साल की एज कर दिया है, खास करके जो इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए ये इंश्योर करने के लिए सरकार ये कदम लाई है। तो मैं समझता हूँ सर कि एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, मोहिनी मैम। जी मैम बताइए। मोहिनी मैम बताइए, आपका वेट कर रहा हूं मैं। मुसाइफा मैम आप बताइए, इतने वो मैम का शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बताइए आप लोग, मैं सुन रहा हूँ। जी मैम, हेलो। हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हनुमान सर आप बताइए। चलिए कोई नहीं, वेट कर लेंगे इनका। Sir, by increasing the marriageable age of women from 18 to 21, government has taken a step which was very much needed in the overall development of women child. Earlier it was seen that after marriage, the girl child can't pursue her education, which can now be continued till 21, so that they can complete their graduation or post-graduation. And after that, they can start their job, which was earlier can be leaved after the marriage because of peer pressure or the pressure from in-laws. And by doing this, we can say that now we are really empowering the women to a ground level, and we are providing them equal opportunity in all areas. Okay. सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम अभी आ रही है, बताइए। ओके सर, द स्टेप व्हिच गवर्नमेंट हैज टेकन स्पेसिफिकली रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम एज ऑफ 18 इयर्स टू द 21 इयर्स इज अ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप इन द 21st सेंचुरी टू एम्पावर वुमेन। सर टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट, ओवरऑल वुमेन विल गेट अ वेरी गुड सोशल स्टेटस एज दे विल बी एबल टू परस्यू हायर एजुकेशन। I think due to education, sir, various income and employment opportunities will be opened for them. Sir, talking about the physical aspect, as the girls used to marry earlier, so sir, there were a lot of physical issues involved with that. So there were bad implications later on in their lives. So sir, this will be addressed. And sir, along with social and economical and physical aspects, sir, their mental health will also be improved to a very good extent, sir. ठीक है, आप सभी ने मोस्ट प्रोबेबली जनरल कंसर्न जो है वो शेयर किया है। ठीक है, अब दिक्कत ये है, देखो कोई भी माँ बाप है, इवन आप देखोगे ना ये सेम चीज पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी शादी कर देते हैं, 21 से पहले कर देते हैं। ठीक है, मेन जो रीजन है ना जिसके पीछे, आपको हरियाणा में आपको पता है इसके पीछे बहुत आउटरीच चल रहा है फिलहाल, अभी खाप पंचायत एंड ऑल ये बहुत ही अगेंस्ट है, बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जैसे गवर्नमेंट किसान बैठे थे धरने के ऊपर, गवर्नमेंट ने लॉज को वापस लिया था, इस लॉ को भी जो है वापस लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो ये लॉ इतना बुरा है, बट देर आर सम रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जिसकी वजह से ये खाप पंचायत एंड ऑल जो ये सोसाइटी जो होती है इसके अगेंस्ट है, मेनली उसके पीछे एक दो ही रीजन है। आप ऐसे कोई बता सकते हैं वो रीजन क्यों इतना आउटरेज हो रहा है इन लॉज का?
इन लॉज का बेसिकली, जो 18 से 18 साल 21 साल तक की जो बात चल रही है। कोई देगा आपने सेंसर? चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जितने भी लोगों ने अपने आंसर दिए, 3-4 लोगों ने, एक कहीं ना एक क्लियरिटी की कमी है, आप खुद आपको खुद पता है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि ये क्वेश्चन एकदम से ऐसे पूछ ले जाएगा, राइट। पहली चीज मेक श्योर ये करिए, पूरा इश्यू समझिए क्या है, ठीक है, मेक शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। आपके पास आपको 30 सेकंड का ही मौका मिलेगा, 30 सेकंड में ही आपको पूरा इश्यू एक्सप्लेन करना है कि क्या रीजन है, ठीक है। साथ के साथ में आपको ये भी बताने कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब प्रॉपर आपके पास एक आंसर उस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसको लिखिए, सर्कल की फॉर्म में लिखिए या फिर शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे, एज 18 to 21 इश्यूज, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे लगाओ इस तरीके से, ठीक है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। दूसरा एजुकेशन, मतलब ये नोट्स बनवा रहा हूँ आपके छोटे से उसमें, ठीक है। तीसरा पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, होता है ना ये इशू, ठीक है। उसके बाद 4-5 पॉइंट है, आप टोटल देख के पूरा एनालिसिस करके लिखिए। जो मेन जो मेरा समझाने का मतलब वो यही था कि तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखो, उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। अब मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 से 21 एक एज करने में जो है क्यों करी है सरकार ने, इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है IMR, ठीक है, कि कम उम्र में जो है बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है डिलीवरी में या इस तरीके की इश्यूज में, ठीक है। दूसरा इस एज में ये बहुत लर्निंग की एज है, और इसमें शादी करने की रीजन की वजह से जो है कम ही उम्र में बर्डन आ जाता है और वो कॉप अप नहीं कर पाती फैमिली के साथ। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि बहुत सारी फैमिलीज में जो है डाइवोर्स के केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप ये सब, और ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस में है, क्योंकि एक्चुअल जो एज होनी चाहिए मैरिज को 25 के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। 21 भी अब 25 तो नहीं कर सकती है सरकार, तो सोच रहे कि चलो 21 ही कर देते हैं, ठीक है, 21 करने से कुछ तो बेनिफिट होगा। उसके बाद तीसरा एजुकेशन का बोल सकते हो कि छोटी सी एज में जब शादी हो जाती है तो एक अच्छी एजुकेशन वो नहीं ले पाते हैं, इनकेस इन फ्यूचर हस्बैंड को कोई इशू हो जाए, ठीक है, या फिर वो अलग होना चाहते हैं, डाइवोर्स हो जाए बाय चांस इन द केस, तो वो खुद को खुद का स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये इशू आप मेंशन कर सकते हो, और भी काफी सारे आप फाइंड आउट करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखिए आपके एरिया के अनुसार। उसके बाद ये चीज देखिए कि अगर ये सेम चीज हमारे यहाँ पे हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको किस तरीके से जो है हम किस तरीके से लेते हैं। मान लो आपकी फैमिली है या आपके आस पड़ोस में है या एरिया जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे भी होते हैं। देखो ये इशू ऐसा है, पूरे इंडिया का इशू है, कोई एक स्टेट का नहीं है, ठीक है ना। अब देखोगे अगर तो पूरे इंडिया में ही ये चीज चलती है, तो जनरली हम देखते हैं ना, मेनली देखो साफ सीधी बात देसी भाषा में अगर बताऊं तो सामाजिक प्रेशर रहता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बच्चे कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो घर वालों को पसंद नहीं होते हैं, तो एक ही चीज दिखती है कि चलो उठाकर शादी कर दो, यही है ना, मानते हो सब इस बात को, तो मेन इशू तो ये है, ठीक है। उसके बाद इससे जुड़े हुए इशू फिर ये है कि एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, उसके बाद IMR का रेट ज्यादा है, उसके बाद पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन है, जो भी है XYZ, ये इसका जो है आउटकम है, ठीक है इसका। तो अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसको जो है एज को बढ़ाया जाए, और कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने फंड्स बचाना चाहती है, उनको टाइम ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 18 साल पे कुछ पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की जो बच्चों की शादी में दी जाती है, कोई भी धनराशि जो भी सहयोग राशि कोई भी, तो लोग बोल रहे हैं कि उनको बचाने के लिए 3 साल का और टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को, तो ये सब चीजें बकवास बातें फालतू की। आपको मेनली जो है गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर जो है आंसर डिलीवर करना है, ठीक है। अब देखो अब खुद से आप एज्यूम करके ये बताओ मुझे कि आप इसके अंदर जो आंसर देते नॉर्मली, और अब ये सब चीजें सीख जो मैंने आपको बताई हैं, इनको प्रॉपर लिखोगे उसके बाद आंसर डिलीवर करोगे, दोनों में हुआ डिफरेंस आपका कुछ, समझ में आया? बताइए दीपक सर, मुसाइफा मैम, ठीक है ना सर,
ये चीजें, अपना एक ओपिनियन बनाओ हर एक चीज के ऊपर, और वही मैटर करेगा आपका फाइनल उसमें। और काफी अच्छे इंटरव्यू, काफी अच्छे जो है मुझे लगे आपके आंसर। हनुमान सर आपका अच्छा लगा मुझे, दो तीन आंसर मैंने मतलब सुने। तो अगर पेपर 1 2 का देखो मुझे स्कोर नहीं पता है आपका, बट इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या है थैंक वैसे आपका स्कोर पेपर 1 2 का? यू सर। पेपर 1 में जो ऑब्जेक्टिव बोला था उसमें सर इतने प्रॉमिसिंग स्कोर नहीं है, हाँ 100 के आसपास में सर, 98 97 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। पेपर 2 सर अच्छा हुआ था, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छा हुआ होगा तभी मतलब क्वालिफाई हुआ है, नहीं तो अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होता सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में बढ़िया स्कोर करना सर, आप कोई दिक्कत नहीं है। वही आप 140 45 वाली रेंज के हो आप बंदे, कोई दिक्कत, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, कोई डाउट है जी सर, आपका इस उसमें, एक तो डैब भेज दीजिए सभी लोग आप अपने, ठीक है। उसके ऊपर जो आपके स्टेट वगैरह वाले से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर काम करते हैं एक बार, ठीक है। कोई डाउट हो तो आपका बताइए। फिर इंटरव्यूज की डेट्स कब देना चाहोगे आप इंटरव्यू? 1 2 तारीख के राउंड चलेगा, 2 3 के राउंड, या अभी देना है बिल्कुल जस्ट, दो दो तीन ग्राउंड चलेगा। है ना? 2 3 का मैं इसलिए कह रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम कल भी ले सकते हैं, ठीक है। रीजन मीन क्या है, अब कल दोगे आप उसमें फिर समझ लेना बिना पढ़े आओगे, कुछ का फायदा नहीं, डिमोटिवेट हो जाओगे फिर, ठीक है। अच्छे से अभी 1 हफ्ता का टाइम लो, 1 हफ्ते का एटलीस्ट, डेफ के ऊपर काम करो, क्वेश्चंस के ऊपर काम करो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू दो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक अटेम्प्ट भी आपको बच जाएगा, अटेम्प्ट इन द सेंस वैसे अगर आप दोगे तो 2 3 देने पड़ेंगे, वैसे आपका नॉर्मल 2 में काम चल जाएगा। एक हम रख लेंगे 2 से 3, 3 को दूसरा हम रख लेंगे, कब से है आपके, 17 से है, ठीक है। दूसरा हम रख लेंगे 12 13 तारीख के अराउंड, 10 दिन के गैप के ऊपर, उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो जो जो छोटी मोटी होंगी ना इस तरीके से, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। आप में से कोई ऐसा है जिसके 220 नंबर के आसपास है पेपर 1 के अंदर? देखो जिसका पेपर 1 में 220 का स्कोर, क्योंकि पोस्ट सेम है ना पिछली बार की तरह, दोनों सेम थी, ठीक है। 200 के ऊपर ऊपर के स्कोर वाले हैं आप लोग, एटलीस्ट ये मान के चलो, अगर 205 210 15 20 नंबर के राउंड है ना, तो ये वो स्टेज है जो आपको रैंक लेके आएगी, ठीक है। ये भी मैटर करता है ना, एक तो आपका लास्ट रैंक 23 पे आप सिलेक्ट हो, ऑल्दो सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि मेरिट में आप हो, ठीक है। वो बाद की बात है, वो होता है ना, वो शौक की बात हो जाती है कि फिर मैं आईफोन हूँ या कौन सा लूँ, ठीक है, फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक, वो सब तो बाद की बात है। अभी मेन जो चीज है वो ये है कि हमारा कैसे भी करके मेरिट में नाम आए सबसे पहले, लास्ट रैंक आ जाए, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद आती है बातें कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 से क्रैक किया है, मैंने 2 से किया है, तो 220 के अराउंड का स्कोर जो भी है, 215 10 वाले, अच्छा आपने मेहनत किया पेपर उसके अंदर, अभी जो टाइम है ना, अभी आउटशाइन करने का टाइम है कॉम्पिटिशन, ठीक है। अच्छा स्कोर करो इंटरव्यू में, सिंपल सा है। देखो 122 नंबर मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाए थे, वहां पे 122 में आप जोड़ लो, 150 नंबर मान लो बंदा लेके आए, 122 में 361 में अगर 28 मार्क्स और जोड़ दे तो 380 कुछ बन जाएंगे, तो टॉप 3 में आ जाएगा बंदा, बताओ, ठीक है। तो इंटरव्यू में चांसेस तो है, देखो एक बंदा 120 नंबर लेके आ रहा है, एक बंदा 140 तक जा रहा है, तो 20 नंबर में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, और अभी तक आपने प्रिपरेशन किया तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग भी से देख लो, ठीक है। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो पर्सनली नंबर है सबके पास मेरा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अपने डेफ भेज दो, आपके डेफ पे के बेस पे जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा ना वो मैं करके सबको भेजता हूँ, ठीक है। 5 6 दिन का मुझे टाइम लगेगा बट भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, चलते हैं फिर सर, जी। इंटरव्यू मीडियम हिंदी इंग्लिश के ऊपर कुछ बताइए सर। इंटरव्यू मैं तो यही कहूंगा सर, इंग्लिश में रेडी रहो, ठीक है। अब हिंदी में आप प्रिपेयर करके चले बाय चांस और वहां पे जाके दिक्कत होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में करके जाओ, वहां से बोल, वहां पे जाके बोल सकते हो एटलीस्ट आप कि सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। अगर वो अलाउ अलाउ कर देते तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करते तो आपकी तो प्रिपरेशन है ही 20 दिन में, है ना। इंग्लिश में ही प्रिपेयर करो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी देखो दिक्कत ना वहां पे होती है जब पता ही नहीं हो कुछ कि क्या बोलू क्या नहीं बोलू, आपकी आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो ना। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, पंकज साहब को फोन लगाओ ना, आपके दोस्त है क्या, कब काम आएंगे, सिलेक्ट हो चुके हैं कितना, 17 रैंक भी आया है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है, बात करो उनसे, क्या दिक्कत है, इतना टाइम तो दे सकते हैं, डेली का आधा घंटा भी देंगे तो मोर देन एनफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बंदा ढूंढिए जो आपसे बात कर सके, दैट्स इट, ठीक है। और उससे भी अच्छा बताऊं आपको, मिरर प्रैक्टिस करो, वो और भी बेस्ट है, कॉन्फिडेंस आपको अगर लाना है अपने अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जैसे आंसर की डिलीवरी करते हैं, कोई भी आंसर दे रहे हैं कुछ भी इस तरीके से है, ठीक है, तो हम कई बार कांप जाते हैं या फिर आवाज में थोड़ा सा वो हिचकिचाहट सी आ जाती है, उसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका मिरर प्रैक्टिस करो, ठीक है।
कोई भी इशू उठाओ, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वाला इशू उठा लिया आपने पहले, ठीक है, तो इंटर जैसे मिरर आ गए, इसके सामने खड़े होके बिल्कुल ऐसे इस तरीके, जरूरी नहीं ड्रेसअप वगैरह हो, कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल खड़े हो सकते हो कभी भी, ठीक है। हाय माय नेम इज प्रवीण कुमार, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम बीएसएफ प्राइमरी स्कूल भिकीपिंड, आई डिड माय इंजीनियरिंग इन 2014-18 एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस तरीके से मतलब, ठीक है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, चेहरे पे स्माइल थोड़ी सी, ठीक है ना, यही चीजें मैटर करती है सर, बिलीव मी 120 नंबर से 140 नंबर का यही एक राज है, कॉन्फिडेंस और आपके चेहरे पे स्माइल, और कोई भी सिचुएशन आए उसमें डरना नहीं है, क्वेश्चन ही तो पूछेंगे, नंबर ही तो काटेंगे ज्यादा ज्यादा, उसमें क्या करते हैं ना लोगों का एकदम से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि अरे यार। और वहां पे एक चीज और बताता हूँ आपको, ऐसा भी देखा गया है 10 क्वेश्चन आपसे पूछे, 10 में से कई लोगों को ये होता है ना कि ज्यादा क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए तो नंबर कम आएंगे, ऐसा भी नहीं है, 10 में से आप 4 का जवाब दो, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए कि खुश हो जाए लेके बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात, ये चीजें हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा काम करो, और चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों का हो आपका सिलेक्शन, बाकी अल्टीमेटली तो भगवान करेंगे जो भी डिसाइड करेंगे, ठीक है ना जी। हाँ सर बताइए, सुखविंदर सर आपको कोई डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। मैं लेट से जो ज्वाइन कर पाया, सॉरी सर उसके लिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ काम था सर। हाँ सर, सेकंड अटेम्प्ट है मेरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा काफी बेकार इंटरव्यू गया, काफी प्रिपरेशन किया था, मिरर प्रैक्टिस किया था, बहुत काफी कुछ किया था जी, लेकिन वही हुआ वहाँ पे, जो अभी आपने बताया ना, बोला इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए, तो वही हुआ, चौबे सर का बोर्ड था, जाके बोल दिया इंग्लिश में बोलिए, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, मतलब जो आता था उसको भूल गया मैं। अच्छा अच्छा, आपके आप मार्कशीट शेयर कर सकते हैं अभी एक बार, प्लीज रिक्वेस्ट, आ गई होगी ना मार्कशीट आपकी? हाँ मार्कशीट आ गई है सर, मैं मुझे तो क्लास चल रही है उसकी बात करते सर। नहीं नहीं, अभी आप कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी कुछ देखना है मुझे उसमें, इन सब बाकी सबके भी काम आएगा ना वो। देखिए अगर आप दूसरों की गलती से आप सीख सकते हैं ना, तो उससे बढ़िया मेरे ख्याल से कोई एग्जांपल नहीं होगा, ठीक है। अभी आपके सामने देखो, मैंने आपको बताया सर ने इस बार 2020 का शायद इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो उसमें ये इशू आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, मैं वेट कर रहा हूँ, भेज दीजिए इसी ग्रुप पे कर दो सर, जो या बी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में भेज दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो बहुत कम मार्क्स दिए सर। ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखो इंटरव्यू में 102 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 102 ही। हाँ तो दिखा सबको, मतलब 101 बंदा वो भी, इसके 150 भी आए, एक बंदा 102 भी दिए हुए, ठीक है, तो मतलब इंटरव्यू में 48 नंबर पीछे हो गए, 48 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कैसे कंपटीशन में आओगे आप, है ना। तो वो है सर, आपके पास अभी का क्या स्कोर है आपका, जैसे इसमें 163 थे आपके पेपर, उसमें इस बार का क्या स्कोर है आपका सर? आपका जो आपने मिलाया था ना आंसर शीट, आंसर शीट आपके चैनल से मिलाया था मैंने, तो उसमें 102 बन रहे हैं सर, 102 क्वेश्चन राइट है सर इस बार। अच्छा 102 छोड़ो, आपके 100 भी होंगे ना, 40 नंबर तो आपके पिछले पेपर के हिसाब से बढ़ गए हैं, ठीक है। 43 है सर लास्ट टाइम, लेकिन लास्ट टाइम मेरा कॉम्प्रिहेंशन छूट गया था सर एक। अच्छा अच्छा, इस बार तो पूरा हो गया था सर। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम जो मार्कशीट आपने भेजी है ना, इसमें आपके पेपर वन में 163 मार्क्स है, यानी 80, इस बार आप 102 या 4 बता रहे हो, आप 95 मान के चलो, 20-30 नंबर तो आपके पेपर वन में ही बढ़ गए है ना, और 3-4-5 नंबर आपके पेपर टू में बढ़ेंगे, तो ओवरऑल मतलब अच्छे से इंटरव्यू के अच्छे से करो प्रिपरेशन, ज्यादा नहीं। इंटरव्यू का क्या, वहाँ पे कुछ नहीं पूछ, मैं देखा जहाँ तक मैंने वो देखा वहाँ पे चाहिए बस कॉन्फिडेंस। हाँ वही मैं बताया ना, 90% कॉन्फिडेंस ही चाहिए, कॉन्फिडेंस 90% आप सही बोले, कॉन्फिडेंस अगर है वहाँ पे, बिना झिझक के बिना डर के अगर बैठे हैं आप,
और तो जो चीजें आप याद करके जाएंगे वो वहाँ पे तुरंत याद आएगी, नहीं तो अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो जो चीजें याद करके भी गए हैं वो भूल जाते हैं तुरंत। और फिर कई क्वेश्चन तो मेरे से ऐसे हो गए, आवाज नहीं आना बंद हो गया, कान भी बंद हो गए सर ऐसा हो गया, बोला सुनाई नहीं दे रहा, बोला मैडम प्लीज रिपीटेड डिस्कशन प्लीज, ऐसे करा मैंने दो बार, तो शायद वो भी बुरा लगा हो। लगता है, बिल्कुल लगता है सर, आप बिल्कुल, उसमें ये आ जाता है ना कि भाई ये बंदा ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, इसको क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है, समझ गया मुझे। तो ये था, और दूसरा चीज सर मेरा फर्स्ट ये था यूपीएससी का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उस टाइम। अभी प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ लेकिन इतनी फास्ट इंग्लिश अभी भी नहीं बोला जा रहा, एक मेन प्रॉब्लम है। हिंदी में मैंने प्रिपरेशन किया था, हिंदी में अच्छा कर सकता था, मिरर प्रैक्टिस भी किया था काफी। दिक्कत क्या है ना सर, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, वो पहले वाले टाइम पे बोला करते थे कि हिंदी में कर लो इंग्लिश में कर लो, यूपीएससी डजंट बायस नहीं करता है ये सब, ठीक है। अब हो सकता है ना, मान लो कोई बोर्ड में कोई साउथ का बंदा बैठा उसको समझ में नहीं आएगा, फिर आपका क्या इंटरव्यू ले, वो बताओ, है ना। और सर चौबे सर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में रहे हैं और तमिलनाडु कैडर में आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बताओ तो उनके बोर्ड में था तो वो तो पहले ही डिनाइड कर दिए बोला। अच्छा आपने बोला था आपने उनको कि मुझे हिंदी में देना इंटरव्यू? हाँ मैं बोला था सर, एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर कन्वर्सेशन फॉर इंग्लिश, आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, और क्लियर कट मना कर दिए, यू हैव स्टक डाउन इन बिटवीन, यू कैन स्विच ऑफ हिंदी बट टोटली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। हाँ मतलब ये है, कभी कभार बीच में कोई वर्ड याद नहीं आ रहा इंग्लिश में तो एकदम से बोल के वापस फिर इंग्लिश पे आना है, एक दो वर्ड चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब खाप पंचायत वाला है, हिंदी का वर्ड है अभी, बोलो खाप पंचायत इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी हिंदी में ही आ गए सब, जी ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं वो इंग्लिश में। तो एक चीज तो चलो क्लियर होगी आपके सबके सामने, आपके सामने एग्जाम्पल है, सर ने बताया है इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है, ठीक है दीपक सर, अब तो रिस्क नहीं लोगे ना आप, ठीक है इंग्लिश में ही प्रिपेयर करो। और एक काम और मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो आप, इसी ग्रुप के अंदर ना आप अपने छोटे छोटे वीडियोस भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अलाउड है, और बताओ ठीक है। इंट्रोडक्शन का वीडियो जैसे भेज दिया मिरर प्रैक्टिस के टाइम पे, और दूसरी क्या है ना, रिकॉर्ड करो अपने सेशंस को, सबसे अच्छी ऐप है जूम ऐप, डाउनलोड कर लो सबने कर। जी सर एक चीज मेरी समझ में नहीं आई सर, मैंने काफी क्वेश्चन के आंसर दिए, मतलब जैसे उन्होंने मुझे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी दी, उनमें मैंने मतलब अच्छा बताया उनको, लेकिन समझ में नहीं आया कि नंबर कटे कहाँ, बस सब मुझे यही लगा कि मुझे कई बार तो सॉरी बोलना पड़ा, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। और दूसरा चीज ये कि कई बार क्या है कि गला भी सूख रहा था उस टाइम, होठ सूख रहे थे तो कई बार जीभ घुमाना पड़ रहा था होठ पे। अच्छा, तो ये भी शायद हो सकता है, जीभ लगाओ बिल्कुल हो सकता है सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो एक एक चीज नोटिस करते हैं, वहां पे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन में सर आपसे शेयर करना चाह रहा था, उन्होंने पूछा था कि जो फॉर्मेशन साइन है, क्योंकि मैं साइड में फॉर्मेशन साइन लगा रखा था और जो एक सर थे वो साइड में बैठे थे, तो उन्होंने फॉर्मेशन साइन दिखा मेरी वर्दी पे, तो मुझे लग रहा वर्दी पूरी रेडी करके जाना पड़ेगा, वर्दी में ये वर्दी पे आपने क्यों पहना है, कितना सीएसएफ में इसका रोल है, क्या है, उन्होंने पूछ लिया, बोला कितना है इसमें, मतलब पूछा कि काउंटिंग में बताओ कितना है फॉर्मेशन साइन कहाँ कहाँ। मैं बोला सर आई डू नॉट रिकॉल एट द राइट नाउ फॉर एग्जैक्ट फिगर, वो यही मैसेज आएगा ना कि यार बंदा फोर्स का बंदा है, अब इसको अपने फोर्स के बेसिक्स के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली इसमें तो कट नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो वैसे बता दो कहाँ कहाँ है, फिर मैंने बिना सर एयरपोर्ट्स पे जीबीएस पे और कोल माइन सर इनका अलग अलग है, ट्रेनिंग सेंटर का अलग है, तो ये है सर मैं इसका कितना है सर, मुझे भी कहीं दिखा नहीं है कितना है, क्योंकि मैं कहीं जगह देख लिया, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आपका फॉर्मेशन साइन क्या होता है, सच बताऊं तो सर फॉर्मेशन साइन जो हम साइड में लगाते हैं, जैसे डीए डोस में मैं हूं फिलहाल, तो हमारा डीए डोस का अलग है, एयरपोर्ट का अलग रहता है, ट्रेनिंग सेंटर का अलग है, नहीं सर मुझे कितना है मतलब, हाँ जी 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 वो मतलब कितना है, मतलब एक जगह 13 मुझे मिला था लेकिन फिर दूसरी जगह पे मेरा 26-28 के आसपास मिले तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं छोड़ो इसको कोई नहीं सर, अभी देखो टाइम है 20-25 दिन का टाइम है, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी अभी रिसेंटली हुआ है ना, नवंबर में तो हुआ है ना, अक्टूबर में था सर 28 में, तो अभी तो आपने आपको पता चली होंगी, तो इम्प्रूवमेंट किया आपने कुछ? मैं बस सर इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ कि अपने दिल को समझा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहूँ,
ये भी बात है, ये है बस मैंने बोला ना आपने ज्यादा कूल डाउन रह के आप किस तरीके से अप्रोच क्या लेके चल रहे हैं, आंसर देने की अप्रोच क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वही अगेन मैं जी बता जी रहा हूँ, 90% है आपका वाक्य में कॉन्फिडेंस ही मैटर करेगा। मेरे साथ हुआ था ऐसा एक्चुअली, कॉलेज में बताता हूँ, मेरा बीटेक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, मैं बिल्कुल, मेरी काफी सारी बैकलॉग थी, मतलब बीटेक में पढ़ता वढ़ता मैं था नहीं, बहुत सारी मेरी बैकलॉग थी, मैं एलिजिबल, मतलब फॉर्म मैंने डाल दिया था, डिग्री के हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं था आर्म फोर्सेज के लिए, मतलब उस टाइम पे एक यूएस की एंट्री होती है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ठीक है, कुछ नहीं था मेरे पास, ना कपड़े ला रखे थे क्योंकि मेरे टीपीओ ने मना कर दिया था, स्टोरी बता रहा हूँ आपका, वो जो सेशन था वो खत्म हो गया, अब अपनी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या टीपीओ होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, तो उनको मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, इंडियन आर्मी आ रही है, तो मुझे उसके अंदर वो इंटरव्यू देना है। उसमें ऐसा प्रोसेस था कि पहले हमारा इंटरव्यू होगा, तो अगर उसमें हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर एसएसबी होती है, होता है ना जैसे इस बार कई बार से रिटर्न होता है फिर एसएसबी होती है, हमारा एक नॉर्मल कॉलेज में इंटरव्यू था, उसके बाद फिर सीधा जो है एसएसबी में उनको बुलाना था। तो टीपीओ ने बोला कि हाँ आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दो इंटरव्यू। मगर सर मेरी बैकलॉग है, मैं क्लियर नहीं है मेरी डिग्री अभी ना, तो कहते कितनी बैकलॉग है, मखा सर, कहता हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक दो बैकलॉग तो सबकी होती है, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो। मगा सर मेरी तीसरे में तीन है, चौथे में चार है। अब उसने वो देख के एकदम फ्यूरियस हो गया, कहता भाग जाओ यहाँ से, कोई अलाउड नहीं है तुमको, इतनी इतनी बैकलॉग थोड़ी ना होती है, एक दो तो चल जाती है। तो उसने मुझे भगा दिया वहां से, ठीक है, मैं अपना रूम पे आ गया। तो मुझे ये था कि चलो आप जा ही नहीं सकते, तो फिर ड्रेस वगैरह लेने का भी कोई फायदा नहीं है, और फिर मैं आ गया वहां पे, ठीक है। उसके बाद मुझे बट इंटरेस्ट था शुरू से आर्म फोर्सेज में, कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कोई गेस्ट आएगा, मान लो कर्नल लेवल का ऑफिसर आ रहा है, तो उसकी टॉक सुनाएंगे कि किस तरीके से मोटिवेशन देते हैं, इस तरीके से मैं वहां पे चला गया, मैंने सेशन उनका प्रॉपर अटेंड किया। हाँ सर कुछ कह रहे हो आप जी, आपको जाना है अभी? हाँ सर ये जानना चाह रहा था, अभी लगभग 9-10 लोग जुड़े हैं, हाँ हाँ इसमें कितने जनों के, कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि हमारे वाले बैच में 110 के आसपास बहुत लोगों के मार्क्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूं अभी लगभग 9-10 लोग हैं, तो ऐसा कुछ है क्या सर? देखो मुझे सर, तो शायद मैं देना चाहूंगा सर, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं सर को मैं बताना चाहता हूं, आपके 110 नहीं 120 भी है ना, सही बात है, तो फिर कोई मैटर नहीं रखता। अगर आपका इंटरव्यू दे, मैं देखा अभी 102 हो गया, 90 भी दे देंगे वो, 100 भी दे सकते हैं, बिल्कुल, और एक बंदे के 150 आ जाएंगे, तो फिर क्या मैटर रखेगा? बिल्कुल, ये अभी कुछ ये, मतलब मैं यही रियलाइज किया अभी, मैं भी यही सोच रहा था पहले, लेकिन भूल जाओ अभी कितने नंबर है, अब चाहे किसी के कितने भी हो भी, exactly. अभी अगर आपने, हाँ सर यही है सर, ये भी मैंने देखा सर कि इस बार वाले जो मार्क रिकमेंडेड का लिस्ट है उसमें सेकंड पेपर और इंटरव्यू के अनएक्सपेक्टेड मार्क्स इस बार देखने में आए हैं। पिछले साल के आप चाहे 19, 18, 17 के भी अगर आप मार्क रिकमेंडेड देखा जाए लिस्ट, तो सेकंड पेपर में 45 मैक्सिमम रहा है, लेकिन इस बार उर्वशी मैम के 67 जो कि अनएक्सपेक्टेड मार्क्स है, इंटरव्यू में 150 को टच करना ये अनएक्सपेक्टेड है। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि जो एक था कि नहीं इंग्लिश में 40 के आसपास, समझ गया, एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, चेकिंग अगर लीनियंट हुई है तो सबके ही लीनियंट होगी, आपको अलग से आपकी तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हनुमान सर का लीनियंट कर दिया आपके मुश्किल कर दिया, ऐसा नहीं है। मेन सही कह रहे हैं सुखविंदर सर, रियलिटी यही है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को फेल होते हुए देखा है, पेपर सीएपीएफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, पेपर वन में 160 नंबर है, ठीक है, इंटरव्यू में खा के मार नहीं पहुंच पाए, आउट। पेपर वन में 120 नंबर का बच्चा है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया, मेरिट नहीं बनता। हमारे दोस्त है सर, विकास वर्धन सर है, लखनऊ एयरपोर्ट पे है, फर्स्ट पेपर में 188, सेकंड पेपर में 42 और इंटरव्यू में 112, मतलब उनके उनकी 7 नंबर से रह गए सर। बताओ, और जो अमित सर थे उनका 140 आ गया, तो उनका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, अभी देखो ना आपका सामने 2 नंबर से रहा हुआ बंदा दिखाया मैंने अभी, जस्ट अभी 2 नंबर से सर, 122 नंबर इंटरव्यू में थे उसके। हाँ जी, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि इंटरव्यू अभी के समय में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। डाउट समझते कि इंटरव्यू में 130, 125, 130 के आसपास अच्छा मार्क्स माना जाता है, लेकिन इस बार जो 150, 140, 137, 138, 140, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आप सिर्फ एक चीज का जवाब ये दो, इसका सोच के कुछ फायदा है? आप अपने ऊपर ध्यान दो। इवन मैं ये भी कह रहा हूँ, आपको हनुमान सिंह जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सुखविंदर सर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये अपना करेंगे आप अपना करो, सिंपल सी बात है। देखो आपके सामने मैं एक ऑप्शन रख दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे जवाब देना, 2 सीटें हैं, 1 सीट है सॉरी, ठीक है, 1 सीट पे हनुमान सर का भी होना है, 1 सीट पे आपका भी होना है, आप इनको दे दोगे अपनी सीट? नहीं दोगे, हार्श ट्रूथ है ये। अब यहाँ पे बहुत भाईचारा है, बिल्कुल सब कुछ है, आप नहीं दोगे,
आप भी नहीं दोगे सुखविंदर सर, कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा यार, सिंपल सी बात है। ऑप्शन अगर मिलेगा तो अपने आप को चूज करूंगा ना, तो ये ऑप्शन वो ऑप्शन है, ये सभी के सामने ओपन है, ठीक है, कि आप अपने आप को किस तरीके से आउटशाइन कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हियर एंड देयर कि ये चीज ऐसे हो जाएगी, वो वैसे हो जाएगी, किसके कितने नंबर, कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को इस एलिजिबल बनाओ कि मेरा नंबर 23 में आना चाहिए, बात करते हैं, बाकी किसी का आया ना है, मैं उसके लिए दूसरा सर क्या है कि दूसरा जो 24 सर का बोर्ड था, 24 सर बहुत ही मतलब ओल्डली पर्सनैलिटी है सर, बहुत ही मतलब मैं देखा उनको तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे में बहुत ज्यादा गलती है और जिससे कि हमें नंबर नहीं मिले। और दूसरा सर ये डेस्टिनी भी है मैं समझता हूँ, अगर वही अगर मेरा जो पोसले सर है उनके बोर्ड में नंबर आता तो वो तो अलाउ कर रहे थे, बोला आप हिंदी में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, तो ये भी एक फैक्टर है। तो वहाँ पे मैं अच्छी बात अपनी बात अच्छे से रख सकता था और भी प्रेजेंट कर सकता था जो मैंने प्रैक्टिस किया या फिर ये ना सर। तो उस टाइम का जो दिन है आपका दिन है, लक है उस दिन, तो हो जाएगा सर। मैं तो यही लक के साथ हार्डवर्क भी मैटर करेगा, जैसे लास्ट नहीं, वो तो है सर। पिछले में नहीं हुआ था, इस बार इनका रिटर्न क्वालिफाई होगा, अच्छे क्वेश्चन से हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टेप के क्लोज पहुंच गए, बंदा वो सोचेगा ही नहीं ना, जिसका रिटर्न क्वालिफाई ही नहीं हुआ वो क्या इंटरव्यू की सोचेगा ना। ठीक है, अपना परेशान मत हो सब लोग, जो भी आपके स्टेज है, मैं स्टोरी बता रहा था, मेरी एक बार सुन लो फिर चलते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास ना कोई कपड़े, मेरे पिताजी कॉन्स्टेबल से भर्ती हुए थे बीएसएफ में, और उस टाइम पे शायद एएसआई रैंक पे थे, मतलब 2015 की बात है, तो मतलब ठीक ठाक कॉलेज में ठीक ठाक पैसे मिलते थे, आप सब कॉलेज लाइफ से गए हो आपको पता ही होगा, है ना। तो मेरे पास अब कपड़े वपड़े भी कुछ तैयार नहीं था, मुझे लगा कि यार क्या करूं मैं, मतलब बच्चे कोट पैंट गार्ड के टाई बेल्ट प्रॉपर यूं अच्छे से लगा के फुल तैयारी में आ रखे, मेरे खुद के क्लासमेट क्योंकि उनकी डिग्री क्लियर है, हमारी डिग्री क्लियर नहीं थी, बट मुझे एक कॉन्फिडेंस था, मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट रहा हूँ, मतलब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे ठीक लगते हैं, मुझे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि चलो इसी चीज पे खेलते हैं। अलाउ तो उन्होंने कर दिया मुझे कि ठीक है आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ना कोई डिग्री थी दिखाने के लिए, कुछ नहीं था, बस मुझे एक चीज ये था कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मैं जाके बिल्कुल खुल के बताऊंगा आंसर, ठीक है। मैं चला गया अच्छे से, अब कपड़े मेरे पास, शर्ट मैंने अपने रूममेट के लिए उसके ऊपर अचार लगा हुआ था, फिर स्वेटर लिया हुआ टाइट, मुझे मतलब ये सब सिचुएशन मैंने फेस की। मेरे पास जूते नहीं थे इंटरव्यू के टाइम पे, मैंने अपने सीनियर एमटेक वाले भैया के जूते में वहां पे लेके गया, उसके बाद मैं पहुंच गया जैसे तैसे करके। इंटरव्यू में जाते ही मुझे बैठाया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कर्नल लेवल के ऑफिसर थे, तो मैं तो पहले तो यही देख के खुश होया कि चलो लाइफ में आज एक ऐसा दिन आया कि मैं एक कर्नल के सामने, मतलब मैंने देखा उनको, और वो एक बच्चे की रहती है, और जेसीओ का बच्चा अगर हो तो उसके उसमें और रहती है, ऑफिसर का तो चलो ठीक है, ऑफिसर का अगर बेटा है तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं उनके लिए, खैर, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने खुल के बहुत ईमानदारी से सारे क्वेश्चन के आंसर दिए प्रॉपर विद कॉन्फिडेंस सब कुछ। यू वोंट बिलीव, आउट ऑफ 65 स्टूडेंट टॉप 5 में मेरा नाम था, चौथे नंबर पे मेरा नाम था उस लिस्ट के अंदर, जबकि ना कोई मेरी डिग्री थी ना कोई मेरा एलिजिबिलिटी थी, स्टिल मेरा एसएसबी आया, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिग्री नहीं थी तो मैं नहीं जा पाया था उसमें, ठीक है। तो मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो वहां पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। डजंट मैटर आपने पीछे अच्छा किया बुरा किया, आपके मार्क्स ज्यादा आए कम आए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में रहो और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आप 220 नंबर लेके आ रहे हो, जस्ट फॉर द एग्जांपल लगा के चलो, मान लो आपके 220 नंबर आ गए, ठीक है, पेपर टू में थोड़ी सी कसर रहेगी, मान लो 40 आ गए, आपका एग्जाम तो हो गया क्लियर, इंटरव्यू में 100 दे दिया आपको नंबर, क्या करोगे आप बताओ, समझ रहे हो ना, तो वहां पे मार खा जाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, स्कोर आया उसको छोड़ दो, अब इंटरव्यू के ऊपर ध्यान दो, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। बाकी हनुमान सर मुझे आपका अच्छा लगा, बहुत अच्छे चांस है, अभी मैं आपको सच्चाई बता, देखो झूठ में नहीं बोलता हूँ, जो बच्चा लगता है मैं बोलता हूँ उसको साथ साथ, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, चांसेस है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, आपने डैप भेज दीजिए सारे। एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि हम बहुत ही पिरामिड परिवेश से है सर, तो पहले से हम जो जब हमने डिग्री किया था उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और 2010 में तो कहां ये था, पास होना ही मुश्किल हो जाता था जी सर। मेरा जो डैप है उसमें जो मेरा क्वालिफिकेशन है, मतलब ये उसमें सर सेकंड डिवीजन है, मतलब 55% से ऊपर नहीं है मेरे, सेकंड डिवीजन मैटर करता है क्या सर, मैं बता रहा हूँ आपको, डिग्री आपकी मैटर नहीं करती, बिलीव मी, आपने कहीं देखा हो, नहीं नहीं सर, जी जी बताइए सर, ये भी मैटर करता है कि ये मतलब ये एक अट्रैक्टिव डैप होता है ना एक सर, उसमें 70-80% या फिर ऐसे, मतलब उसको मैं अगेन वही चीज बता रहा हूँ, जो आपने लाइफ में किया है ना
उसको आप कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हो ना, वो बहुत मैटर करता है। बच्चों का मैं बताता हूँ कमियां, एक स्टूडेंट थे हमारे पिछले वाले बैच में, उन्होंने क्या लिख दिया कि मैं, वो होता है ना क्या बोलते हैं वो, उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब बोलते क्या उसका एग्जैक्टली वर्ड समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या था। पब्लिक स्पीच वगैरह देना कॉलेज में, सिंपोजियम होते हैं काफी सारे, कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसमें पब्लिक स्पीकर का उन्होंने बेसिकली दिखा दिया अपने आपको कि मुझे वो पसंद है, मेरी हॉबीज है, मैं जाके मतलब बोलना पसंद करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ ये वो। इंटरव्यू में पूछ लिया उनसे, नहीं बता पाए वहाँ पे, हो गया कॉन्फिडेंस लूज, काट लिया नंबर। कि जो बंदा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, मैं एंकर रहा हूँ, मैं बहुत चीजें मैंने की है, तो जो आपने डेफ में लिखा है ना उसको जस्टिफाई तो करो कम से कम, ठीक है। मार्क्स आपके मैटर नहीं करते हैं, डोंट वरी, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स अगर मैटर करते हैं ना तो आप इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। अगर यहाँ तक आप आए हो तो आपके में कोई ना कोई क्वालिटी है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है जो इसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। हाँ, ये सब चीजें एक एक मैटर करेंगे, आप वहाँ पे कैसे बात कर रहे हो, कई बच्चे आंखें झपकाने लग जाते हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं रखते हैं, ये सब चीजें तो मैटर करेंगी। ड्रेसिंग सेंस क्या है, प्रॉपर अपने कैप पहना नहीं पहना है, कपड़े आयरन है या नहीं है, वो सब चीजें मैटर करेंगी, बट मार्क्स आपके मैटर नहीं करते। अगर मार्क्स मैटर करते तो बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी शायद उस टाइम में ना हुआ होता, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है ना। सर मैं डेप भेजता हूँ सर, इसमें आप सब अपने डेप भेज दीजिए, मैं सबके क्वेश्चंस फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है। यस सर, मैं एक वन विद इन वीक आई विल प्रिपेयर फॉर श्योर सर, नो इशू सर, जी बिल्कुल, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, डू टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स इफ यू वांट, ठीक है। यस हाँ, सब लोग आप ले सकते हैं अपने दोस्तों की हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेडी रहिए, ठीक है सर, बाकी डिटेल्स। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, होपफुल हेल्पफुल रहा होगा सेशन ये आपके लिए आज का, आपका एक घंटा लिया, मैं तो बहुत ही कम समय मुझे मिला है। नहीं, YouTube पे मैं डालूंगा सर, इसको आप देखना वहां पे जाके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।